आप आओ हारो आ, आ, हार के आ भी गए हो तो थोड़ा बहुत रो लो अपने कोचेज के सामने रो लो अपने मम्मी के सामने रो लो बट उसके बाद अगेन नेक्स्ट वन टू आवर्स में गो बैक टू द जिम स्टार्ट ट्रेनिंग बिकॉज एवरी प्लेयर इज़ डूइंग दैट थोड़ा बहुत रो भी लेते हैं प्लेयर्स जाके बट नेक्स्ट डे देर ट्रेनिंग अगेन यू कॉन्ट सिट इन द रूम फॉर टू थ्री डेज एंड थिंक कि मेरा चांस नहीं आया मैं नहीं जीत सकती तो फिर वो टू थ्री डेज का टेन डेज भी हो जाएगा देन यू विल नॉट बी एबल टू विन एनी थिंग बहुत ज़्यादा दुख होता है कुछ ऐसे मैचेस भी हैं जैसे मैंने अभी ओलंपिक्स के बारे में बताया आपको कि वो जीत जीत के मैं हार गई और ओलंपिक्स में ऐसा सिचुएशन आता है तो बहुत ही मतलब यू आई स्टिल कंट बिलीव इट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे वो मैच हुआ है दुख तो हमेशा ही रहेगा इट्स नॉट लाइक कि मैं आज कुछ ऐसा स्पेशल कर लूँगी कि वो मेरे माइंड में कभी बात रहेगी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है लेकिन आप कैसे प्लेयर हो अगर आपने फिर ट्राई नहीं किया फिर आपने कम नहीं किया फिर आप अगर आपने वो माइंड में रखा नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम उसको जीत के ही रहोगे ये सब आई थिंक जो कुछ चीजें अपने आप से आप बात करते हैं उसे करते करते रहना चाहिए नेगेटिव बनना तो बहुत ही ईजी है सो so अभी मैं बैठ के नेगेटिव बातें करने लगी मेरे साथ तो मैं बैठ के वो पूरा दो तीन दिन, दिन भी कर सकती हूँ क्योंकि साल में इतने सारे टूर्नामेंट्स हैं और अगर आप इतने दिन बैठ के उसको सोचने में लगा देंगे तो आप कब कोर्ट पे आएंगे और कब प्रैक्टिस करेंगे रात में ऐसा भी लगता है कि मैं गल कल गेम छोड़ दूँ मुझे खुद भी लगता है ये सब जो ट्रोलिंग वोलिंग ये सब चल रही है वो तो आई थिंक कुछ भी नहीं है हम अपने आप को जो पनिश करते हैं ना समटाइम्स वी फील कि कौन खेलेगा कौन अपने बॉडी को इतना पुश करेगा मैं भी आराम से बैठ के मूवी देख सकती हूँ फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हूँ मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ मैं भी रो, 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 रोज रोज़ कॉलेज जा सकती हूँ क्यों मैं अपना दस ग्यारह घंटे घिस घिस के एक एक टूर्नामेंट एक एक मैच क्यों करूँ मैं ऐसे हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं नेशनल हीरो हैं और पूरे भारत को विश्व भर में इन्होंने गौरवान्वित किया है सो प्लीज़ वेलकम साइना नेहवाल थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो साइना बैडमिंटन आपका सपना किस उम्र में बना कब आपको लगा कि यही मेरी जीवन है यही मेरा करियर है um, सर इनिशियली तो आई थिंक uh, मैं हम हरियाणा में रहते थे और हिसार में मैं देखती थी अपने पेरेंट्स को खेलते हुए एंड uh, मुझे लगता था कि मैं कुछ भी खेल लूँगी लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलूँगी क्योंकि ये लोग खेलते थे मेरे पेरेंट्स आई तो पुषमी की थोड़ा बहुत खेल ले तो भी फिट रहेगी लेकिन उस टाइम पर मुझे ना दूसरे सब स्पोर्ट्स पसंद थे मेरे फ्रेंड्स के साथ खेलना एंड एस टू बी लकीली एस टू भी वेरी एक्टिव पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं पूरा दिन घर से बाहर रहती थी घर पर जाती ही नहीं थी और हर एक काइंड ऑफ जैसे क्रिकेट हो गया या रनिंग हो गया या कुछ भी स्पोर्ट करना ही है स्विमिंग हो गया टेबल टेनिस हो गया एस टू प्ले ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स लेकिन uh, फिर एक दिन uh, पापा गोट तो प्रमोटेड एंड एवर्स लाइक कि अब क्या करें ऑप्शनस हैं हमारे पास वी हैव टू मूव टू हैदराबाद और डेली और यू नो ही हैड कपल ऑफ ऑप्शन बट आई डोंट नो कैसे उन्होंने हैदराबाद चूज़ किया एंड आई वॉज लाइक पापा मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर रह जाएंगे प्लीज़ मुझे नहीं जाना एंड आई वॉज ओनली एट आई एम ट अबाउट नाइनटी एट नाइनटीन एट एंड ही वॉज लाइक नहीं जाना पड़ेगा ऐसा है ना अब uh, uh, वहाँ पर फ्रेंड्स बना लेंगे नहीं अब uh, मुझे नहीं पता था नॉर्थ साउथ क्या होता है तो मैं जब हैदराबाद में आई मैं मुझे इनिशियली तो फर्स्ट टू मंथ्स लगा कि बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लैंग्वेज अलग है और स्कूल में सब नए बच्चे हैं तो एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता ही है बट एनी वेज वो अलग है बट उसके बाद मुझे कुछ खेलना हमेशा पसंद था मुझे घर पे बैठना इतना अच्छा लगता नहीं था और तो मैं मम्मी से बोलती थी मम्मी मुझे कुछ खेलना है अगर कोई स्पोर्ट हो तो मैं जाके खेल सकती हूँ तो मम्मी पापा ने दोनों डिसाइड किया कि कराटे क्लासेस चल रही थी तो वहाँ पे आई थिंक स्कूल के बाद जाके तू तो अपनी प्रैक्टिस कर ले एंड um, तेरा स्पोर्ट्स भी हो जाएगा और कराटे भी सीख लेगी तो मैंने वो एक साल किया सर मैंने ब्राउन बेल्ट तक आ गई थी बट uh, मुझे uh, लगने लगा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है मुझे वो जो स्टंट्स होते हैं ना दे लॉट ऑफ़ फाइट्स विद बॉयज़ एंड वो आपको ऐसे स्टंट्स करवाते हैं जैसे जंपिंग ऑन स्टमक एंड देन टू बी रियली स्ट्रांग कराटे के लिए तो इट टू बी रियली फिजिकल मतलब आप लड़ रहे हो ऑलमोस्ट राइट काफ़ी मुझे टफ लगने लगा एंड देन वन डे आई वॉज लाइक पापा मुझसे नहीं हो रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है आई एन्जॉय दैट फॉर श्योर बट थोड़ा मेरे को ना दर्द होने लगा uh, मेरे बॉडी पे uh, थोड़े से इश्यूज लगने लगे कि मुझसे शायद हो ना पाए अभी एंड देन माई कोचेज बोल लाइक सायरा को करना चाहिए और एक बेल्ट रह गया है ब्लैक बेल्ट हो जाएगा तो शिल इट तो दे वर रिक्वेस्टिंग बट देन आई वॉज लिटल स्केर्ड अब छोटे से मतलब तो आठ साल के बच्चे आप कितना ही Uh, काश मैं अब अब अगर मुझे चांस मिलता तो मैं कंप्लीट कर देती बट <laughs> वो टाइम पे यू नो बच्चे की बुद्धि होती है एंड देन लाइक नहीं होगा मुझसे ये मेरा टाइम पास हो जाएगा कुछ uh, मतलब मतलब भागना दौड़ने को मिल जाएगा आई शुड लाइक यू नो भागना दौड़ना एंड ऑल दैट आई शुड लव दैट तो मुझे समर कैंप में लेके गए पापा उधर नाइन्टी में लाल बहादुर स्टेडियम में एंड फर्स्ट कोच वॉज नानी प्रसाद सर एंड गोवर्धन सर सो आई वेंट इन अप्रैल एंड सर वॉज लाइक कि शायद इस बार लेट हो गया है यू कम नेक्स्ट ईयर अच्छा ऐसा मुझे बताया गया एंड uh, पापा वॉज रिली डिसअपॉइंटेड सर उसको खेलना है उसको अच्छा लगता है प्लीज़ समर कैम्प के लिए डाल दीजिए स्कूल uh, की भी छुट्टियाँ हो रही है देन ही वॉज लाइक नहीं सर आप लेट हो गए हैं तो देन लाइक इसको खेलते तो देख लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ले लेना नहीं ने तो नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे हम तो मेरा जो फर्स्ट शॉट था ना सर मैं खुद भी सरप्राइज़ थी कि स्मैश था अच्छा आई आई कॉन्ट बिलीव इट बिकॉज यूजुअली जब बिगनर बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा टॉस मार लेंगे या थोड़ा ड्रॉप आ जाएगा क्योंकि इतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है कि आप स्मैश मार सको बट मेरा फर्स्ट शॉक स्मैश था एंड मेरे जो पापा खुद भी सरप्राइज थे उसके ऊपर वो कोच भी सरप्राइज था कि ऐसे कैसे कर रही है कैसे खेल पा रही है तो देन मुझे रियलाइज़ हुआ उन्होंने मुझे समर कैंप में Uh, ले लिया लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि गेम देखने से ही इतना आप सीख लेते हैं बिकॉज आई हेज टू सी देम प्ले एवरी डे तो मुझे लगा कि ऐसे शॉट मारा जाता है एंड आई थिंक लकीली मेरे पास स्ट्रेंथ अच्छा था कि आई कुड हिट हार्ड मेरा फेवरेट स्ट्रोक भी स्मैश ही है वैसे तो मैंने मारा उसके बाद कोच बोल टिकी टी इसको लेके आओ नहीं सॉरी हमसे हमें लगा कि शायद uh, ये wow. आ सकती है एंड देन आई स्टार्ट समर कैंप एंड वहाँ पे क्या हुआ बहुत अच्छा ट्रेनिंग करने को मिला मुझे एंड uh, उतने वन मंथ में मुझे आई गॉट टू नो कि यहाँ पे हम नेशनल चैम्पियन बनेंगे तो अच्छा जॉब मिल सकता है या uh, वो सबका एम रहता था कि नेशनल चैम्पियन बनना है एंड uh, क्योंकि हमारे पास uh, पहले ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं थे जो इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े नाम हो के हम सोच सके हाँ हमारे पास बिली चोंगवे है लिंडन है ऐसा बनना है तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल नहीं था बेसिकली इट वॉज ओनली लाइक नेशनल चैम्पियन बन जाओ एक जॉब आ जाएगा ये वो तो ये डिस्कशन चलते रहता था मैंने कहा क्या बातें हो रही है मुझे बस अच्छी ट्रेनिंग करनी है एंड आई वॉन्ट टू बेसिकली कोच ने बाय दैट टाइम आई गॉट टू नो का एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है एक स्टेट चैंपियनशिप होती है तो मेरे एक स्कूल चैंपियनशिप होती है तो मेरा बेसिकली माइंड इनमें ही था एंड आई वॉज लेकॉम्पटिशन में जाना है अच्छा करना है मैं स्कूल चैंपियनशिप जीत गई मैं डिस्ट्रिक्ट अंडर टेन जीत गई एंड ये सब कुछ समर कैम्प के दौरान होने लगा मेरे साथ ना अच्छा मैं सुबह सुबह ट्रेनिंग करती थी मुझे मज़ा आता था अच्छी नींद आती थी बिकॉज ट्रेनिंग के बाद जो नींद आती है ना वो आई थिंक अभी बिल्कुल नहीं आती वैसी नींद कभी भी हो ना जो ट्रेनिंग के बाद आप फिज़िकली जो आप अपने आप को पुश करते हैं बहुत अच्छी नींद आती है तो मुझे अच्छा लगने लगा ये सब फिर मैं आ, आ, स्कूल चैम्पियनशिप जीता डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में सौ दो सौ रुपये जीत के लेके आई होंगी तो ये सब जीत के मुझे मज़ा आने लगा एंड आई ड आई डेंट नो मम्मी कब इतनी सीरियस होगी कि शी ऑलरेडी थाट कि इसको ओलंपिक चैंपियन बनाना है इसको वर्ल्ड नंबर वन बनाना है एंड आई वाज लाइक मम्मी ये क्या बोल रहे हो आप यू you नो know, मैं तो स्कूल स्टेट तक की ये सब तो ठीक है शी इज़ लाइक तुझे करना पड़ेगा तू अच्छा कर रही है एंड बाय देन यू नो विद इन वन टू मंथ्स इवन माई कोचेज एक तो इतने अच्छे कोच थे कि उन्होंने मुझे मुझमें पता नहीं क्या ऐसा देखा कि उसी टाइम पर वर्ल्ड चैम्पियन मेरा नाम फीड कर लिया अपने फ़ोन में भी wow. सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ आई वॉज नॉट एबल टू बिलीव के ये जस्ट स्टार्टिंग है एंड आई एम स्टिल नॉट इन टू रेगुलर्स अभी समर कैम्प में जैसा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन जीत गई हूँ स्कूल चैम्पियन जीत गई हूँ समर कैम्प के एंड में आई लॉस टू वन गर्ल फ्रॉम महाराष्ट्र शी वॉज रियली गुड लेकिन उसका क्या था शी हर टू गो बैक क्योंकि वो यहाँ पर रह नहीं सकती थी गॉट इन बेसिकलीट्सूल अदरवाइज एक लड़का एक लड़की ही ले रहे थे वो लोग ओके तो मैं रेगुलर्स में ज्वाइन होगी एंड दैट इज वैन मैं अब नेशनल्स में स्टार्ट हो गया खेलना okay. so, और अब मैं वहाँ पे नेशनल्स में सेमीफाइनल्स फाइनल्स खेल रही थी सो दे ऑलवेज़ प्रोग्रेस तो ऐसा कभी मेरे आ, मतलब करियर में था नहीं इनिशियली जैसे फर्स्ट ईयर से ही ऑलवेज सेमीज फाइनल्स ऐसा चलता रहा आ, मम्मी यूज़ टू इन इन बिटवीन शूज़ टू से कि तुझे जीतना है ये करना है मैं हंसती थी मुझे लगता नहीं था कि सीरियस है क्योंकि पापा साइंटिस्ट हैं तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली मुझे डॉक्टर बनाएंगे या कुछ इंजीनियरिंग साइड में ही होगा क्योंकि मेरी बहन सेवन uh, ईयर्स बड़ी है मुझसे तो आई वॉज थिंक कि घर में क्या बातें चल रही है कि इसको इंजीनियर बनाना है डॉक्टर बनाना है तो मुझे लगा यही मेरे साथ भी रहेगा तो मुझे पता नहीं था कि गेम में इतना सीरियस uh, है मेरी मम्मी स्पेशली एंड देन शी वज़ लाइक ऐसे धीरे धीरे इतना सीरियस हो गए कि सुबह पापा यू इज़ टू टेक मी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स टू तो स्टेडियम स्कूटर पे बस में एंड देन मेज़ टू कम बैक आई शू गो टू स्कूल एंड देन अगेन मम्मी स्कूल में आती थी थ्री थ्री थर्टी ऑटो में लेके जाती थी मुझे 25 किलोमीटर फिर स्टेडियम और फिर हम रात में आठ नौ बजे आते थे ऐसे रूटीन दो तीन साल चलते रहा एक कौन सी क्लास में थे फिफ्थ, फिफ्थ चल चला एंड देन मुझे जैसे मैंने बताया फिजियो ट्रेनर्स तो वो टाइम पे हमें पता नहीं था क्या होते हैं और खाना भी पता नहीं था कि कुछ अच्छा खाना खाएंगे तो आप बेस्ट प्लेयर बनेंगे मम्मी मम्मी ने सोचा कि इसको अच्छा uh, खाना खिलाऊँगी तो स्ट्रांग हो जाएगी तो अच्छा करेगी तो इट वाज ऑल हमारा ही माइंड था इट वाज नॉट लाइक ए प्रोफेशनल माइंड कहीं से आया हो और मुझे हेल्प किया हो इनिशियली इट वाज हमारे से घर के नुस्खे होते टाइप्स वैसा ही चलता रहा तो तीन साल मैं ये पच्चीस किलोमीटर अप एंड डाउन मॉर्निंग इवनिंग होता रहा और रात में मुझे इतने दर्द होता था पैरों में क्योंकि आई वॉज ऑलमोस्ट प्लेइंग फॉर लाइक सेवन मतलब ऑलमोस्ट टेन आवर्स का ट्रेनिंग हो जाती थी फिर स्कूल होता था <laughs> फिर मतलब घर पे आके मैं बैठती थी तो मम्मी से मम्मी मेरे को दर्द हो रहा है पैरों में थोड़ा सा ना तो देन शीज टू सिट होल नाइट एंड मसाज माय लेग्स वो उनको लगता था शायद रिकवर हो जाए नेक्स्ट डे के ट्रेनिंग के लिए क्योंकि wow, आपको एवरी डे ट्रेनिंग करना है एंड सेम रूटीन एवरी डे ऑब्वियसली कभी कभी बोर होता है कि क्या मैं ये सेम चीज़ कर रही हूँ ये क्या बट अगर वो रिपीट नहीं करोगे तो आप कैसे जीतोगे दैट्स वट दी कोचेज स्टार्ट एड टेलिंग एंड मम्मी स्टार्ट एड टेलिंग कि ये सब एवरी डे करना पड़ेगा टू बी द बेस्ट एंड आई डेंट नो मुझे उस टाइम पे ये सब लगता था कि शायद मुझे पुश कर रहे हैं शायद ये ज़बरदस्ती मेरे साथ हो रहा है लेकिन वन आई लुक बैक नाव मुझे एक चीज़ का मतलब बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे साइना नेहवाल बनाने के लिए ऑलरेडी एक माइंड सेट तैयार कर रखा था कि इसको ऐसा ऐसा करवाएंगे ओब्वियसली इसे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हम इसको ऐसे पुश करेंगे आ, मतलब गुस्सा भी आता था कि क्यों मुझ मुझे गाली पड़ रही है या क्यों मुझे गुस्सा कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए बट देन आई रियलाइज वन टू ईयर्स में वन आई बिकेम लाइक अंडर नाइनटीन नेशनल चैम्पियन एट द एज ऑफ इलेवन इलेवन में मैं अंडर नाइनटीन और सीनियस में फाइनल्स खेल रही थी दस आई रियलाइज यू नो देसम गुड इन मी या कुछ अच्छा मेरे से मतलब मेरे ट्रेनिंग में देख रहे थे या मैं कुछ अच्छा कुछ कर सकती थी तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे लिए इतना दूर का शायद सोच रखा है बट अब टिल देन इट वॉज ऑल अबाउट कि यार जॉब आ जाए या नेशनल चैम्पियन बन जाऊँ मैं अब नेशनल चैम्पियन बन गई अब चांस मिलने लगा इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए अब मैं बाय द टाइम आई वॉज ट्वेल्व आई वॉज गेटिंग द चांस टू प्लेयर इन द थॉमस यूबर कप जो सीनियर टीम रहती है एंड देन विद दैट ऑल्सो अंडर नाइनटीन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इन चेक रिपब्लिक सो आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज सडनली एंड आई वॉज लाइक स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी अब स्कूल नहीं जा सकते अब बड़े टूर्नामेंट्स है ये वो तो इट वॉज लॉट ऑफ रिस्क बट आई थिंक माई पेरेंट्स वो लाइक थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा इसको भेजते हैं इंटरनेशनल लेवल एंड थॉमस युवा कप के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है बट सम टूर्नामेंट्स यू नीड पैसा भी चाहिए अपना uh, वहाँ पे जाके uh, uh, खाना पीना ये सब के लिए तो थोड़ा पापा को डिफिकल्टी हुई बट आई डोंट नो हाउ ही मैनेज थोड़ा सा बैंक से लोन लेके या फ्रेंड से थोड़ा हेल्प लेके ही सिर्फ की सायरा को हमें स्टार्ट करवाना ही है एंड आई एम श्योर कुछ अच्छा करेगी तो आप बिलीव नहीं करेंगे मैं थॉमस यूपर कप में देखती हूँ वर्ल्ड नंबर वन खेल रही है सामने चाइना की एंड जापान प्लेयर सो मेनी प्लेयर्स व प्लेइंग एंड आई लाइक सिटिंग क्या हम बन सकते हैं उस लेवल का यू नो आई ना लिटिल बिट शॉक टू सी द लेवल ऑफ गेम क्योंकि इतना ट्रेनिंग हमें करवाया नहीं गया है यहाँ पे इतना हाई लेवल बिकॉज उनके जो कोचेज़ हैं स्टार्टिंग से ही आइर दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस ओलंपिक चैम्पियंस या ऑल इंग्लैंड चैम्पियंस दे आर ऑल चैम्पियंस कोचेज और हमारे जो कोचेज हैं वो ऑब्वियसली मतलब उतने हाई लेवल पे नहीं खेले हुए हैं स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वी गॉट गोपी सर व्हेन आई वाज ऑलरेडी फोर्टीन फिफ्टीन एंड आई ऑलरेडी हैड वन दी नेशनल्स आई वाज प्लेइंग एट द इंटरनेशनल लेवल दैट्स व्हेन गोपी केम इन बट वी डेंट हैव लाइक चैम्पियंस एज कोचेस बट वैन आई शू सी कि वो कैसे लेवल पे खेल रहे आई वॉज शॉकड एंड आई आई वॉज नॉट गेटिंग द चांस टू प्ले बिकॉज अपर्ना वॉज द चैम्पियन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई वॉज जनर अप अपर्ना वॉज अपर्ना पोपट तो शी वॉज मुझे पहले सिंगल्स खेलना ही है तो इमिडियटली आफ्टर द मैचेस जस्ट टू गो आउट एंड रन फॉर टू आवर्स यू नो करना है मुझे उनके जैसा बनना है तो दैट दैट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग मैचेस गेव मी दैट फीलिंग कि येस मुझे नेक्स्ट टाइम फर्स्ट सिंगल्स खेलना है मुझे भी जीतना है मुझे भी उन जैसा बनना है दैट्स हाउ माई दिस थिंग वॉज एट इमीडियटली आईज टू गो एन वन फॉर टू आवर्स नहीं मिला मुझे चांस खेलने का मैं और प्रैक्टिस करूंगी नेक्स्ट डे फिर रनिंग करूंगी मे बी नेक्स्ट टाइम आई गेट अ चांस टू बी द नंबर वन सिंगल्स प्लेयर फ्रॉम इंडिया तो उस uh, टूर्नामेंट ने मुझे ये सिखाया एंड देन आई वंट द अंडर नाइनटीन चेक रिपब्लिक टोर्नामेंट एज वेल एंड दिस हैपन मेरा थर्टीन ईयर्स तक ये सब होने लग गया था मेरे साथ एंड दट्स वन के मीन भारत पेट्रोलियम मुझे जॉब मिल गया था अच्छा you know, हाँ तो उन्होंने भी मुझे उन्होंने सोचा कि ये शायद फ्यूचर में अच्छा करेगी एंड दे दे वांटेड टू हेल्प मी तो uh, उस वे से आई थिंक भारत पेट्रोलियम केम इन एंड मुझे मनी का थोड़ा हेल्प मिलने लगा एंड रैकेट शूज खरीदने के लिए शटल कॉक्स खरीदने के लिए बहुत ईजी होने लगा अदरवाइज इट इज टू बी सो एक्सपेंसिव टू बाई ऑल दिस थिंग्स एंड आई थिंक दैट्स आई वुड लाइक टू थैंक भारत पेट्रोलियम एंड योनिक्स केम एट द राइट टाइम उन्होंने लगा कि साइना इज डूइंग रियली वेल तो उसको हम सपोर्ट करते हैं एंड आई थिंक अब बाई द टाइम ट्वेल्व थर्टीन में वैन आई स्टार्ट विनिंग द नैशन ऑफ द सीनियर्स एंड स्टार्टड प्लेइंग थॉमस युबर कप एंड देन आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द कामनवेल्थ गेम्स वैन आई वॉज ओनली फिफ्टीन सीनियर कॉमनवेल्थ गेम्स दैट इज वैन आई थिंक एवरी वन डिसाइडेड सबके माइंड में आ गया शायद ये प्रोफेशनल लेवल पर अच्छा कर सकती है एंड कुछ चीज़ों को हमने केयर uh, नहीं किया लाइक इन टेंथ यू नो आई वॉज Uh, मेरी टेंथ क्लियर हो गई मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गई आफ्टर दैट आई वॉज एट माई फादर एंड ही वॉज लाइक अच्छा खेल आई एम विद यू डेफिनेटली देर टुक अ बिग रिस्क आई डोंट नो बाई दे टूक ऑफ टू देयर मतलब जो इन सो टैलेंट यू ना आई डोंट नो नोट बट टैलेंट तो सही है बट देन इलेवंथ ट्वेल्थ के लिए उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया एंड दे वर लाइक ठीक है वी अंडरस्टैंड यूर गु दोलम्पिक्स एंड यू वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू ट्रेनिंग और आपको पढ़ाई इतना शायद नहीं हो पाएगा बट मेक श्योर वट आर वी यूर डूंगल ना हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिस करना है हंड्रेड परसेंट ट्रेनिंग देना है एंड वी आर विद यू एंड उसके बाद वो दिन था जहाँ पे हम एक दूसरे को देख रहे थे एंड देन आज का दिन है एंड देन वी टॉक अबाउट इट एंड हीज़ लाइक शायद हमने वो रिस्क लेके बहुत uh, wow. अच्छा किया एंड यू कड अचीव अ लॉट बट आजकल ऑब्वियसली मैंने इसी काफी पेरेंट्स को डाउट आता है दे कम एन आस्क मी एज वेल कि टेंथ के बाद क्या करें वो आई डेफिनेटली टेल दैम कि टेंथ इलेवेंथ तक तो बच्चों को खेल खेलने देना चाहिए क्योंकि दैट इज़ वैन यू रियलाइज़ कि इसमें आगे जाने का टैलेंट है या नहीं कितना इसने अचीव कर रखा है काफ़ी प्लेयर्स को थोड़ा जल्दी मिल जाते रिजल्ट्स जैसे मुझे ऑलमोस्ट सिक्स सेवन स्टैंडर्ड में मिल गए थे और काफ़ी बच्चों को अठारह उन्नीस के बाद मिलते हैं बट आ, चांस हमेशा ही एक आ, ओपन रखना चाहिए कभी भी ऐसे एकदम बंद करके टैलेंटेड प्लेयर का करियर ख़त्म हो जाता है एंड देन लेटर दे रियलाइज कि शायद मैं और खेल सकता तो फॉर मी आई थिंक एज वेयर एक्चुअली वी ऑल एंड थॉट मेरा करियर इसी में आगे बढ़ने। इसी में आगे डेफिनेटली आपने वो विश्वास कब आया कि आई कैन सेंस कि आपके जो मदर फादर थे उन्होंने आपके कोचिज ने पहले ही आपके अंदर वो देख लिया कि ये लड़की कुछ बड़ा करेगी आप में किस दिन ये विश्वास पैदा हो गया कि आई कैन विन ओलम्पिक्स ये कब विश्वास पैदा हुआ जैसे कि वो थर्टीन फोर्टीन में इतने बड़े चेंजेस आए आ, मेरे आ, जो टूर्नामेंट्स में बेसिकली फ्रॉम नेशनल सडनली इंटरनेशनल लेवल प्लेयर बन गई मैं एंड आई वाज आई आई वन द एशियन सेटेलाइट टूर्नामेंट इन दिल्ली दैट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट विच आई वन एंड फिफ्टीन ईयर्स में आई वन दिलीपींस ओपन बीटिंग वर्ल्ड नंबर थ्री ओके वो जर्मनी से जू वन uh, है वो तो मैंने उनको भी हरा दिया एंड uh, उस टाइम पे एंड आई वॉज वर्ल्ड नंबर टू और समथिंग तो ये सब चीजें थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन में हो गई मेरे साथ तो मुझे that is कि शायद मेरा एक करियर बैडमिंटन में बन सकता है जर्मनी में प्रैक्टिस तो, uh, मुझे लगने लगा यहाँ पे कि हाँ लाइक ब्रेक थ्रू मोमेंट था कि मतलब एक क्या बिलीव तो मुझे um, um, बोलते ओलंपिक्स तक आया नहीं क्योंकि टॉप टेन में वीर ओनली टू ऑफर्स या थ्री ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अदरवाइज एट ऑफ दर चाइनीज़, आपको कैसे कुछ कॉन्फिडेंस या बिलीव के लिए वो छोड़ते नहीं थे आपको चांस वैसा मैं यूज टू स्टिल डाउट यूर सेल्फ हाउ विट दिन क्वार्टर सेमीज फाइनल दिस स्ट्रांग चाइना इज सो स्ट्रांग कोरिया इज सो स्ट्रांग जापान इज सो स्ट्रांग डेनमार्क इज सो स्ट्रांग आपको कहां से चांस दे नहीं रहे लेकिन आई थिंक अभी थोड़ा सा ओपन अप हुआ है बट दैट टू थाउजेंड फाइव से टू थाउजेंड फिफ्टीन तक जो उनका डोमिनेशन था टॉप टेन में वो क्रेजी एंड आई पापा एंड मेरे वेरे यूज़ टू लाफ के सायना टॉप टेन में इनके बीच में फंसी पड़ी है लेकिन शी स्टिल बिलीव कि है ना होना चाहिए अच्छा होगा रिजल्ट अच्छे आएंगे एंड एंड यू वॉन्ट बिलीव कि टू थ्री ईयर्स में जब ओलंपिक्स आया एंड देन ओलंपिक्स में ऑल्सो द फर्स्ट ओलंपिक्स आई वॉज ओनली एटीन एंड आई वॉज ऑलमोस्ट गेटिंग अ मेडल इन माई फर्स्ट ओलंपिक्स दैट्स ओनली बिकॉज माई मॉम का एक विजन था कि इसको हम मुझे ओलंपिक्स में कुछ करवाना है वरना जैसे मैंने आपको बोला मेरे मेरे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं था आई डिट हैव एनी वॉन्ट टू लुक अप टू आई डेंट हैव मतलब मेरे कोर्ट के बाजू वाले कोर्ट में कोई वर्ल्ड चैंपियन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मेरे बाजू वाले कोर्ट में मेरे जैसे ही प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा था जब एक स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियन है तो मैं सोच सकती थी कि मुझे शायद नेशनल चैंपियन बनना है ओनली बिकॉज मॉम हैड हैड्रेड विजन के इसको करवाना है इसको ओलंपिक्स में लेके जाना है वहाँ पे अच्छा करवाना है इमेजिन वो मुझे वो सिचुएशन तक लेके आ गए कि मैं 18 साल में आई वॉज ऑलरेडी इन टॉप 10, आई वॉज ऑलरेडी प्लेइंग ओलंपिक्स एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू गेटिंग द मेडल आई हैड ऑलरेडी वन द फिलीपींस ओपन बीटिंग लॉर्ड ऑफ टॉप प्लेयर्स आई हैड वन दी कॉमनवेल्थ गेम्स ब्रॉन्ज मेडल इन टीम चैम्पियनशिप I a uh, couple of uh, Asian satellite tournaments, challenges tournaments. I won. And 2009 me after that Olympics, obviously it was a major major setback to me because us time pe hi mujhe medal aa jata. I was 11th three up in the third set in the quarterfinals. And I don't know suddenly uh, I went blank. Yeah, कुछ ऐसा you know, एक 18 साल के बच्चे में के दिमाग में आता है ना कि मेडल के पास आ रहे हैं या मेडल मुझे oh. आने वाला है तो सडनली ऐसा कुछ ब्लैंक हो गया कि यू you नो know, कुछ रैलीज आई वॉज रिट्रीविंग एवरी थिंग बट कुछ रैलीज ऐसे मिस्टेक होने लगे जो अनएक्सपेक्टेड मतलब मुझसे यूजली होते नहीं है वो एंड द गेम जस्ट वेंट अवे ट्वेंटी वन थर्टीन में हार गई uh, मतलब आई गॉट ओनली टू पॉइंट्स आफ्टर एलेवन एंड शी गॉट यू नो शी वन द मैच ट्वेंटी वन थर्टीन हो गया एंड आफ्टर द मैच आई एम सिटिंग आउटसाइड एंड आई एम एक्चुअली थिंकिंग क्या हुआ मैच हो भी गया एंड आई डेंट रियलाइज कि कब मैच हुआ आई एम सिटिंग और uh, मैंने अपने अपोनेंट से बात करी एंड शी वाज लाइक मेरे कोच ने 11 थ्री में आके मुझे बोला कि पैक योर बैग्स वी हैव टू गो बैक यू हैव लॉस्ट द मैच दैट्स ऑल द कोचिंग वाज एट एलेवन पॉइंट्स एंड वाज लाइक यार कैसे हो गया आई कॉन्ट बिलीव इट के 11-3 के बाद ऐसा हो गया माय मैच गुट ओवर आई थिंक अराउंड फाइव सिक्स इन दे यूनिंग एंड टिल ट्वेल्व आई वाज जस्ट सिटिंग इन द रूम जस्ट सिटिंग लग दैट आफ्टर द मैच की क्या हुआ आई स्टिल कैन't बिलीव कहीं ना कहीं वो रिजल्ट पे चला गया फोकस रिजल्ट एंड आई थिंक थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स फर्स्ट

And you can digest it, and it's like marzi, ten days, fifteen days, uh, uh, you decide because you're a player. Uh, finally, uh, just make sure you you have a long way to go. You are only eighteen. Just think about what you want to do. and uh, don't think much now because after the matches, we definitely have negative thoughts in the mind. But uh, we'll think tomorrow morning. And then tomorrow morning at six, I was there uh, near the bus stop and I was like such sheltered training. आई आई कान्ट सिट इन द रूम एंड ये मुझे हॉन्ट करेगा अभी सो लेट्स गो एंड ट्रेन एंड आई सार ट्रेनिंग नेक्स्ट डेज इज सर इड ट्रेनिंग एंड देन विद इन वन ईयर आफ्टर दैट टू थाउजेंड एट में आई थिंक ऑगस्ट में ओलंपिक्स हुआ एंड टू थाउजेंड नाइन जून में आई वन द फर्स्ट सुपर सीरीज टूर्नामेंट इन इंडोनेशिया एंड आई बीट फ्राम क्वार्टर्स टिल द फाइनल आई बीट ऑल द चाइनीज जो भी <laughs> तीन टॉप टेन में है और नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री है आई डिफिटेड दैम आई वन द चैंपियनशिप एंड आई वॉज लाइक एंड वी वर टॉकिंग एंड आई वॉज लाइक ऑल दो यू डेंट विन दोलंपिक्स या मेडल नहीं आया बट उसने तुझे इतना सिखा दिया कि नाउ यू आर एबल टू बीट दैम इन बिग टोर्नामेंट्स इन यू यू वन द फर्स्ट टोर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन एंड देन नाउ दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लुक फॉरवर्ड की अब नेक्स्ट ओलंपिक्स में कहा सर अभी ओलंपिक्स की बात छोड़ते हैं कॉमनवेल्थ एंड इन टू थाउजेंड टेन आई आई वन थ्री फोर सुपर सीरीज अगेन आई वन दी कॉमनवेल्थ गेम्स एंड नाउ इन फ्रॉम बींग इन टॉप टेन टू आई वॉज नंबर टू प्लेयर इन दर्ल्ड उस हार के बाद क्या बदलाया कुछ सोच में बदलाव आया मतलब मुझे लगा हुआ ना हुआ। सर मुझे ऐसा लगा कि चांस ही नहीं देना है आई मीन नाउ इलेवन थ्री के बाद आई जस्ट गिव आई जस्ट गिव अवे द बट अब ऐसा मुझे अपने आप को बनाना है आई मेक सो बैड डे वो चांस ही नहीं देना है अपोनंट को कि वो uh, मतलब पांच छः पॉइंट मुझसे पीछे ही रहना है वट एवर इट इज आपका डे भी मतलब अच्छा ही बन, बन रहा है।, <laughs> है मतलब ऐसा ही होना है कि चाहे कितने भी मिस्टेक्स करे हो मैंने मुझे मैच जीतना है चाहे और उसके लिए आई हैव टू रियली इम्प्रूव माई राउंड गेम आई हैव टू मेक श्योर माई स्टेमिना इज सो गुड माई स्पीड इज सो गुड माई स्ट्रोक्स आर सो गुड दैट थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गए तो भी आई कैन कवर इट विद माई मूवमेंट्स माई स्पीड तो मैंने ये चीज माइंड में रख लिया है कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो जाए द स्पीड मूवमेंट स्ट्रोक्स एवरी थिंग टू बी सो गुड एक जगह पे भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि आपको अपोनेंट पकड़ ले आपको ऐसा रहना है कि थोड़ा बहुत पकड़ भी लिया तो आप मैच जीत जाए बस वाह wow. वो आई कैप्टन माई माइंड ऑब्बियसली माइंड में तो बहुत चीज़ें चलती हैं बट कितना करेक्ट हुआ मुझसे या कितनी चीज़ों पर मैं मैंने फोकस किया ये आ, उस लिमिटेड टाइम में जितना हो सकता था मैंने अपना लेवल ट्राई किया लेवल बेस्ट ट्राई किया एंड देन नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो दिखने भी लगे आफ्टर द ओलंपिक्स कि आई एम मूविंग मच बेटर आई एम आल्सो रिट्रीविंग मच बेटर कि कुछ स्ट्रोक्स में मिस्टेक्स हो गई है तो मूवमेंट से जीत जा रही हूँ कभी मूवमेंट्स में मिस्टेक्स हो रही है तो मैं स्ट्रोक से जीत जा रही हूँ तो काफी चीजों पे मैंने ध्यान दिया कि ऐसे होना नहीं चाहिए यूनिवर्स कई बार आपको सिर्फ सफलता से नहीं सिखाती कई बार हार से भी बहुत कुछ सिखा देती है काफी बार हार से सिखाती yes. है सफलता तो कितनी मिलेगी आप आई थिंक हर एक फील्ड में आप देख लीजिए आपके पास सौ टूर्नामेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली फोर फाइव या टेन तक ही जा सकते हैं

फिर अपनी टाइजुइंग है जो चाइनीज टाइप से है तो काफ़ी ओपन अप हो गया है एंड देर देयर एक्चुअली गेटिंग स्कैट विद द प्लेयर्स बट ऐसा टेन फिफ्टीन ईयर्स पहले नहीं था टेन फिफ्टीन ईयर्स पहले तो देवर लेक कोई भी आ जाए हम देख लेंगे कोई भी आ जाए हम देख लेंगे तो दैट्स दैट्स हाउ देअर माइंड सेट वॉज एंड इट इट ऑल स्टार्टेड विद मी टीने बॉर्न जो एक डेनमार्क की प्लेयर शेंक एक जर्मनी की प्लेयर थी और उसके बाद एक दो जापान की प्लेयर्स थी बट हमसे ही ये थोड़े चेंजेस स्टार्ट हुए हैं अब सबके माइंड में रहता है कि हम तो हरा देंगे चाइना प्लेयर को एटलीस्ट ये एटीट्यूड तो आ गया कि हम बोल सकते हैं कि वी कैन डिफीट चाइना प्लेयर्स बट दैट वन टूर्नामेंट चेंज सो मच दैट आई हैड दैट हंगर टू विन अ लॉट मोर ये तो क्या But पता me. शायद अगर मैं उधर जीत जाती तो शायद वो और फीलिंग जो जीतने का है शायद रहता बट मे बी आई डोंट नो मेरा माइंड कैसा रहेगा ना आफ्टर दैट टोर्मेंट बट दैट डेफिनेटली मेड मी रीच वर्ल्ड नंबर टू आफ्टर दैट and in, uh, and then 2011 mein aap world number 2 ho gaye the ji ji 2011 mein world number 2 ho gayi thi 2012 olympics mein uh, before the olympics i had won the thailand open i had won the uh, indonesia open i beat uh, the olympic gold medalist in indonesia open she had consistently uh, sorry one seven tournaments back to her oh. and she only lost to me in indonesia open otherwise seven tournaments winner thi she only lost to me and i was like

Uh, मेरी जो ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी सडनली वायरल फीवर की वजह से मेरे दस दिन चले गए एंड ओलंपिक्स के टाइम पे भी व्हेन मैंने इवेंट देर आया है लिटिल बिट ऑफ फीवर तो थोड़ा उसकी वजह से मेरा uh, थोड़ा लेवल डाउन हुआ एंड इन द सेमी आई लॉज टू वैंग जो चाइना की हैं अदरवाइज uh, जो गोल्ड मेडल जीती उसको मैंने जस्ट एक वन मंथ पहले हराया था इन इंडोनेशिया ओपन एंड देन वी हैड टू प्ले द लूजिंग सेमीज फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच Again, it was so difficult because it is always difficult to play the bronze medal match because you lose the semi-finals and at that day you have that irritation that match you know, or So, you emotions se hai. And then next day again you have to play one more match for medal. You know, that, that. And uh, we all were discussing again. sir was there. Uh, Kashyap was there because Kashyap and me both of us had gone to that Olympics and we all were discussing. It's okay, you know these Chinese players are tough. You know they will fight again and again and again. But you you are trying your level best. Abhi, khol, medal match Make sure you fight for it. Don't um, um, sit and think about this match. I know it's difficult to again digest what what happened today. But you have less than 24 hours for the medal match again. So just recover well, rest well. We can dis discuss about it later after the tournament. And if you have the medal, you won't even think about what happened today so just just think about tomorrow. I'm like, Nayoga, uh, i'm again <laughs> sure, sure. tortured about what happened yesterday, but uh, it's all because of a little bit of fever and the uh, situation who are me. otherwise, i could have pushed a lot more rallies. I, I could go a little bit more better, you know, um, uh, than how i was uh, playing in the olympics. if you see my matches in indonesia and thailand, they were much more like better and i was much more. Uh, um, फ्रेश एंड आई वॉज यू नो मूविंग रियली वेल बट यहाँ पे थोड़ा स्लगिश हो गए थे बिकॉज ऑफ बट दे वर लाइक इट्स ओके नाउ वी कैन चेंज एनी थिंग यू आर इन द टोर्नामेंट नाउ यू डेफिनेटली हैव टू ट्राई दैट कि मेडल आए हमको एंड इट विल बी द फर्स्ट मेडल एवर बिकॉज बैडमिंटन में उससे पहले कभी मेडल नहीं आया था ओलंपिक्स में एंड इफ यू डू इट इट बी द फर्स्ट मेडल फॉर बैडमिंटन सो दे वुड ट्राइंग एवरी वे टू मेक मी फील हैप्पी एंड टू मेक मी फील गुड फॉर द नेक्स्ट डे मैच एंड आई थिंक उनके जो पॉजिटिव टॉक्स थे इट रियली हेल्प मी अलॉड और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं मैच के लिए गई आई वॉज आई वॉज रेडी आई वॉज गिविंग माई बेस्ट एंड एटीन ट्वेंटी पे शी वॉज लीडिंग ट्वेंटी आई वॉज ऑन एटीन एंड सडनली वन बिग रैली हैपन्ड शी वॉज शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टफ प्लेयर्स फ्रॉम चाइना एंड शी वॉज प्लेइंग रियली वे सडनली उनका ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि शी सेट डाउन मैंने बैकहैंड टॉस मारा एंड वो बैठ गई नीचे मैंने ऐसा क्या हुआ? मतलब ऑब्वियसली आई कॉन्ट बिलीव कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है आप पूरे uh, जो वेम्बली स्टेडियम है फुल है इतने सारे इंडियंस हैं सब आपको देख रहे हैं मैच चल रहा है सडनली वो कोर्ट पे बैठ गई है वो सिचुएशन ऐसा हो गया कि बैठ क्यों गई है मतलब यू नो आई एम थिंकिंग आई आई वाज वाज लुकिंग एट माय कोचेस एंड दे वर लाइक रिलैक्स आई थिंक कुछ हुआ होगा uh, कुछ पेन वेन हुआ होगा एंड आई थिंक दट्स वे शी सैट डाउन अब फिर देख सर ये क्या है सर अभी तो रिदम में आए हैं अभी रैली स्टार्ट हुआ है आई वाज गेटिंग क्लोज एड नहीं इट्स ओके यू जस्ट रिलैक्स जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट तो जो इमोशंस होते हैं ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस विदेज बिकॉज दे आर सिटिंग नेक्स्ट यू अदरवाइज और कोई है नहीं उस सिचुएशन में आपसे बात करने के लिए इतने बड़े स्टेडियम में एक मैच चल रहा है एंड एवरी वन इज जस्ट वॉचिंग द मैच एंड देन शी सडाउन फिजियोज के मैन हर कोचेज के मेन एंड देन सडनली पता चला कि उनको कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ पेन हो गया है नी में नहीं मेरी रैली भी इतना कुछ टफ हुआ नहीं था जहाँ पे कुछ लगा कि कुछ नी पेन हुआ हो या एंकल पेन हुआ है बट वेन आई सो दीडियो नी ट्विस्टेड नी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है क्योंकि गेम ऐसा है ना कि आप वहाँ पे बैठे बैठे रियलाइज नहीं करेंगे कि कितनी जल्दी पावरफुल no, जल्दी power हुआ होगा बट वेन यू सी दीडियो इट कि नी बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो गया था उनका एंड बट uh, उस टाइम पे मैं कोर्ट पे थी तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है क्या हुआ है वो मैच हो वो गेम हो गया शी ट्राइड पॉइंट एंड मेरा माइंड उसमें था कि क्या हुआ एंड देन शी गॉट दैट पॉइंट नेक्स्ट गेम स्टार्ट हो रहा था तो फर्स्ट पॉइंट पे अगेन शी वाज मतलब मेकिंग मी वेट गोइंग टू द अंपायर वेट अंपायर के पास जाता तो थोड़ा माइंड मेरा इधर उधर ही था कि क्या चल रहा है उसको पेन है या नहीं है शी इज टेकिंग ब्रेक क्या करेगी वो क्योंकि शी शी वाज वाज नॉट एबल टू वॉक बैडली अच्छा नहीं खेल पा रही थी नहीं खेल पा रही थी एंड नेक्स्ट पॉइंट में वन लव जैसे लीड लिया उन्होंने सडनली सर्विस के बाद फिर बैठ गई वो तो मेरा माइंड पूरा इसमें ही चल रहा था कि बैठ गई ये वो हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगी मेरे उस चीज में डेफिनेटली और वो ज्यादा ऐड होता ही है यू आर प्लेइंग बिग टूर्नामेंट्स तो प्रेशर और ऐड होता ही है तो वो सिचुएशन में मुझे और ऐसा गुस्सा आने लगा एंड यू नॉट एबल टू कंट्रोल कि ये क्या क्यों कर रही है ऐसे गेम क्यों नहीं मूव हो रहा है एंड वन लव के पास अगेन शी इज सर्व एंड शी सेट डाउन उसके बाद मुझे लगा कि अब फिर से ब्रेक ले रही है या फिर से मेडिकल ब्रेक लेगी या वो मेरा माइंड में चलने लगा बट देन शी हैड फ्यू वर्ड्स विद हर कोचेज एंड देन सडनली दे डिसाइडेड दैट इट्स नॉट गोइंग टू आई विल नॉट बी एबल टू प्ले द होल मैच तो उन्होंने जाके अंपायर से सेक हैंड किया मैं वहीं पे खड़ी हूँ मैं हो क्या रहा है आई एम नॉट एबल टू बिलीव व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज यूजुअली जितने भी मैचेस मेरे हुए हैं तीन तीन गेम करके चाइना के साथ हमेशा तीन तीन गेम करके जीती हूँ मैं भाई ये सिचुएशन कभी मेरी लाइफ में आया नहीं कि ऐसा मैच किसी ने कीव अप किया हो या ऐसा कुछ इंजरी हो गया हो ऐसा कुछ तो मैं उधर तो खड़े होकर देख रही हूँ एंड देन शी इज़ लाइक गोइंग टू द एम्पायर हाथ मिला रहे हैं एंड देन शी इज कॉलिंग मी साइना मुझसे आई डोंट थिंक आई कैन प्ले एनी मोर वॉट इज है कि चलो हाथ मिला लें और क्या करेंगे अभी यू नो शी इज नॉट एबल टू प्ले तो आई वेंट टू हर एन आई वर्ज लाइक वॉट हैपन टू यू शज़ लाइक माइनी थिंक वेरी बैड पेन तो वो डिस्कशन में ही चला गया टाइम एंड देन आई पिकडअप माई बैग And then we were walking, me and my coaches, and they were like, medal, you got the medal, you know, you just got the medal. I'm like, sir, I don't understand, he doesn't have knee pain, and you're talking about the medal. Like, it's okay, it happens, it's finally a game, you know. If you get injured, what's your fault in that? You have, you played really well. You were also viral there. So, at some point, you can think of justice. You can think of something like that. But he was like, just imagine last two months, you have worked so hard. यू वन द थाईलैंड ओपन यू वन इंडोनेशिया ओपन यू वन सो मेनी टोर्नामेंट बिफोर दैट एंड ओलम्पिक्स पे थोड़ा अप डाउन हो गया बट दैट्स फाइन बट यू हैव द मेडल विद यू ना यू हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट एंड आई वॉज लेक सर अभी थोड़ा कुछ थिंकिंग नहीं हो रहा है लेट मी गो टू द वॉम अप एरिया एंड सिट देर फॉर समाइम एंड थिंक एक्चुअली हुआ कि आई नाउ आई हैव द मेडल हो सब इध में इनफैक्ट जस्ट प्रीवियस डे जिस प्लेयर को मैंने हराया ना टीवे बॉर्न जो थी डेनमार्क के प्लेयर वो भी बहुत बड़ी प्लेयर हैं उनका मैंने सिचुएशन देखा क्वार्टर फाइनल्स में आई थिंक वी फिनिश द मैच अराउंड ट्वेल्व ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून टिल नाइट शी जस्ट सिटिंग नियर द कोर्ट यू नो उनको ऐसा लगा कि मेडल नहीं आ पाया एंड शी जस्ट कंटिन्यूसली क्राइंग द होल डे तो मुझे लगा ये सिचुएशन मेरे साथ ना हो जाए मेरे को बहुत डर लग रहा है क्योंकि प्लेयर्स का हालत इतना खराब हो जाता है यू आज जस्ट सिटिंग देर फॉर आज एंड आज एंड थिंकिंग दैट के uh, काफी लोगों का तो रिटायरमेंट हो जाएगा आई डोंट नो नेक्स्ट फोर ईयर्स के बाद सिचुएशन आए ना आए लकीली आज मेरे हाथ में मेडल है एंड आई एम सो हैप्पी एंड मतलब इतना प्राउड फीलिंग आ रहा था मुझे क्योंकि वेन आई वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आई एज टू रीड अबाउट पी टी ऊषा जी मिल्का सिंह जी के उन्होंने मेडल मिस कर दिया इतने कम मार्जिन से एंड वेन टुडे आई सी कर टॉकिंग एक इवेंट में मैं उनके साथ थी न स्टिल फील द पेन यू नो थोड़ा सा मिस हो गया मेडल वो uh, तो yeah. आपको कितने स्लीपलेस नाइट मिलने वाले अगर आपने वो मेडल नहीं हासिल किया तो, तो मुझे आया है इवन गोपी सर ऑल वाइक आ गया मेडल जस्ट रिलैक्स ट्रेंड सो हार्ड यू आर द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया कंसिस्टेंटली इतने सालों से टॉप टेन में है वर्ल्ड नंबर थ्री है एंड देन यूर ओनली ट्वेंटी जस्ट जस्ट बी हैप्पी विद वॉट यू हैव ट्राइंग टू अगेन मेक मी हैप्पी मैंने कहा सर ऐसा कैसे हुआ हाउ डिड शी फॉल मतलब टॉपिक उस चीज़ का चल रहा था देन इज लाइक चलो चलो वेर यूर ट्रैक सूट ना हो मेडल सेरेमनी आ रहा जाओ मेडल सेरेमनी आप डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स ऑफ गो यू हैव द मेडल विद यू वेयर सो प्राउड ऑफ यू 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 गो देर एंड स्टैंड एंड वी आर ऑल विद यू वील बी सपोर्टिंग यू एंड चेयरिंग यू फ्रॉम आउटसाइड एंड देन

and uh, when I got the and when uh, so uh, I I I got the the medal all all Indians were 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 there, there, my coaches they so proud. could see काफी लोग क्योंकि उनको लगा की फर्स्ट मेडल आया है बैडमिंटन में पूरे भारत के लिए एक जी, काफी बेंच मतलब मार्क था।, था मतलब कितने सारे युवा होंगे आई थिंक हम सब भी देख रहे थे आपका नाम सब जगह उसने एक पूरा पॉसिबिलिटी ओपन कर और इतने सारे लोग खेलना चाहते है इतने सारे लोग ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं और एक्चुअली जब आपके पास एक ऐसा रोल मॉडल आ जाता है ना जो मेडल जीत रहा है या अच्छा कर रहा है तो फिर इट्स मच मोर क्योंकि आपको लगता है, it, तो इसलिए एक हमेशा एक रोल मॉडल चाहिए दिखाता है जी, right. so, जी। आपका कौन रोल मॉडल रहा उस जर्नी के अंदर और जस्ट यू आर वर्किंग हार दैथ थ आई थिंक सर मुझे गेम के बारे में पता ही नहीं था कि प्रोफेशनल होता क्या है मुझे कुछ पता ही नहीं था कि गेम होता क्या है क्योंकि मेरे ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ पे मैं सोच सकती थी कि यार कुछ कॉमनवेल्थ गेम्स होता है कुछ एशियन गेम्स होता है या कुछ ओलंपिक्स गेम होता है मुझे तो लगता था कि बस आ, खेल रहे वो प्लेयर धनराज प्लेयर का नाम पढ़ती थी या ऐसे ऐसे पढ़ती थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था कि कुछ अलग लेवल पर खेलने के लिए क्या करना है या क्या करना पड़ेगा बट आई टू जस्ट थिंक के मम्मी ने बोला है, खेलना स्टार्ट करो अच्छा खेलो दैट्स इट रोल मॉडल तो मुझे पता भी नहीं था कोई वर्ड होता है क्या किसी को आप लुक अप टू करते हैं या नहीं करते दैट ऑल हैपन लेटर ऑन वेन यू आर एक्चुअली ग्रोइंग अप एंड 14, 15 में यू रियलाइज के एक ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए ऐसा कोई होना चाहिए जिसको आप यू नो you know, जिसके जैसा आप बनना चाहो या कुछ ऐसा करना चाहो बट मुझे लगा यार ये सब तो पता भी नहीं था जब इनिशियल जो थे मेरे बैडमिंटन के मम्मी रोज कोर्ट के पीछे बैठती थी विद माई कोच जो उस टाइम पे थे गोवर्धन सर एंड देन दे देस टू पुश मी लाइक एनीथिंग अच्छा करना है अच्छी रैली करना है एंड ऑल दैट एंड दैट हैपन पो थ्री फोर ईयर तो ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन इन्होंने you know, इतना स्ट्रॉग बना दिया कि मुझे बस जीतना है और अच्छा करना है एंड लेट्स गो विद द फ्लो एंड देर इज नो सेकंड थाट कि मैं हारूँगी ऐसा रखना ही नहीं है माइंड में बस इट हैज़ टू बी योर ट्रेनिंग हैज़ टू बी सो गुड दैट यू आर द बेस्ट वो फीलिंग के साथ ऑफकोर्स हारना जीतना होगा एवरी प्लेयर विल लूज बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट एंड कम बैक अगेन एंड मेक श्योर यू विन द नेक्स्ट टूर्नामेंट बट यू कैंट सिट विद वन लॉस आप आओ हारो आ, आ, हार के आ भी गए हो तो थोड़ा बहुत रो लो अपने कोचेज के सामने रो लो अपने मम्मी के सामने रो लो बट उसके बाद अगेन नेक्स्ट वन टू आवर्स में गो बैक टू द जिम स्टार्ट ट्रेनिंग बिकॉज एवरी प्लेयर इज़ डूइंग दैट थोड़ा बहुत रो भी लेते हैं प्लेयर्स जाके बट नेक्स्ट डे देर दे आर ट्रेनिंग अगेन यू कॉन्ट सिट इन द रूम फॉर टू थ्री डेज एंड थिंक मेरा चांस नहीं आया मैं नहीं जीत सकती तो फिर वो टू थ्री डेज का टेन डेज भी हो जाएगा दैन यू विल नॉट भी एबल टू विन एनी थिंग बट आप एक दो घंटे थोड़ा बहुत जो इमोशनल दिखाना है दिखाओ बट यू हैव टू बी बैक ऑन टू द कोर्ट नेक्स्ट डे एंड आपके पास जब बीस पच्चीस टूर्नामेंट है साल के यू हैव जस्ट लुक फॉरवर्ट टू द नेक्स्ट वन जो हो गया हो गया मिस्टेक हो गई यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम इट बट उसके लिए इतना दुख करके बैठ के एंड नॉट लर्निंग वॉट मिस्टेक यू मेड आई थिंक उससे कुछ आपको रिजल्ट आने वाला है नहीं तो 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 आप जब ये सेटबैक से गुजरते थे तो आपका क्या तरीका होता था एक तो जैसे आपने कहा कि अकेले और क्या आप मेरे कोचेज के साथ एंड एज टू आइसक्रीम खा लेती थी एक दो बहुत अच्छा लगता था मेरे को आइसक्रीम सडनली एज टू फील शुगर है या कुछ हो जाता है कि आप एनर्जेटिक लगता है आपको तो ऐसा लगता ही है कि अब जाके रनिंग या कुछ करनी है बट दुख होता है ऐसा बहुत ज्यादा दुख होता है कुछ ऐसे मैचेस भी हैं जैसे मैंने अभी ओलंपिक्स के बारे में बताया आपको कि वो जीत जीत के मैं हार गई और ओलम्पिक्स में ऐसा सिचुएशन आता है तो बहुत ही मतलब यू आई स्टिल कंट बिलीव इट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे वो मैच हुआ है चार साल में एक बार एक बार आता है और उस सिचुएशन को आप कैसे बस अपने माइंड से हटाए और आगे बढ़े क्योंकि दुख तो हमेशा ही रहेगा इट्स नॉट लाइक कि मैं आज कुछ ऐसा स्पेशल कर लूंगी कि वो मेरे माइंड में कभी बात रहेगी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है आपके हर एक मैच जो आप हारे हैं जो आपके बहुत बड़ी लॉस है या जो हमेशा माइंड में रहेगी लेकिन आप कैसे प्लेयर हो अगर आपने फिर ट्राई नहीं किया फिर आपने कम नहीं किया फिर आप अगर आपने वो माइंड में रखा नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम उसको जीत के ही रहोगे ये सब आई थिंक जो कुछ चीज़ें अपने आप से आप बात करते हैं उसे करते करते रहना चाहिए क्योंकि मुझे कभी कभी लगता भी था फिर से नेक्स्ट ईयर जाना है फिर से नेक्स्ट ईयर उस टूर्नामेंट को आ, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है बट अगर मैंने वो सब चीज़ें नहीं सोची अगर मैं पॉजिटिव नहीं रही तो नेगेटिव बनना तो बहुत ही ईजी है सो so ट्रू अभी मैं बैठ के नेगेटिव बातें करने लगी मेरे साथ तो मैं बैठ के वो पूरा दो तीन दिन, दिन भी कर सकती हूँ बट अगर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया कि चाहे मैं वो टूर्नामेंट नेक्स्ट ईयर फिर से हार जाऊँ लेकिन मैंने अपने आप से ये नहीं बोला कि मैं जाके ट्रेन करती हूँ देखती तो हूँ कैसा होगा रिजल्ट आए ना आए ऑब्वियसली मेरे हाथ में तो है नहीं मेरे हाथ में इतना है कि मैं अपने आप को वैसा बना सकूं कि एक स्ट्रांग प्लेयर जैसे कि हर एक प्लेयर को लगे कि शी इज़ प्लेइंग रियली वेल शी इज़ प्लेइंग वेरी गुड तो हमें डिफ़िकल्ट हो रहा है उसे जीतने के लिए तो ऐसी प्लेयर मैं बन सकती हूँ मैं अपने आप आपको जब भी ट्रेनिंग कर रही हूँ तो हंड्रेड ट्रेनिंग कर सकती हूँ अपने कोचेस ने जो मेरा प्लान बनाया है मैं उनको फॉलो कर सकती हूँ अगर मुझे बेस्ट बनना है वर्ल्ड में तो मुझे जो डिफीट्स होते हैं जो चाहे बड़े डिफीट्स क्यों ना हो लेकिन आ, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरा मेरा फ्यूचर जो देखा है मेरे कोचेज ने देखा है या मैंने अपने लिए जो एक्सपेक्टेशंस रख है अगर मैंने वो ट्राई नहीं किया तो मेरे मेरे पास वो कैसे आएगा ऑफ़कोर्स मेरे अंदर एक आई वुड सी आई डोंट नो इफ इट इज़ नेचुरल या गॉड गिफ्टेड है कि मुझे नेचुरली uh, मेरे रिट्रीविंग क्वालिटीज़ अच्छे हैं कोर्ट पे आई 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 कैन यू नो रैली रियली वेल और मैं गिव अप इजीली नहीं करती हूँ बहुत मतलब आई कैन फाइट रियली हार्ड मैं काफ़ी जो मुझे इंजरीज हुए भी होंगे मैंने दिखाए नहीं हैं किसी को और मैं उन इंजरीज में भी खेली हूँ और मैच जीती हूँ और तो मेरे जो काफ़ी चीज़ें हैं मैंटली आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑन कोर्ट एंड आई देट्स वाई आई थिंक कि काफ़ी टाइम जो कुछ डिफिकल्ट लॉसेज भी होंगे मैंने इमिडियटली उनको छोड़ के नेक्स्ट टूर्नामेंट पर फोकस किया है

कौन खेलेगा कौन अपने बॉडी को इतना पुश करेगा मैं भी आराम से बैठ के मूवी देख सकती हूँ फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकती हूँ मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ मैं भी रो, रो, रोज रोज कॉलेज जा सकती हूँ क्यों मैं अपना दस ग्यारह घंटे घिस घिस के एक एक टूर्नामेंट एक एक मैच क्यों करूँ मैं ऐसे तो आते हैं वो सेल्फ डाउट मुझे भी लगता है मैं ईजी लाइफ भी चुन सकती हूँ अपने लिए लेकिन आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट मुझे अपने आप को चैलेंज करना है जब मैं टी पे आर्मी वालों को देखती हूँ दे सर्विंग द नेशन मतलब मुझे एक चांस मिला है ऐसा स्पोर्ट्स में करने के लिए आई आई एम सर्विंग द नेशन दैट वे एंड पीपल आर लुकिंग अप टू मी दे दे आर रेस्पेक्ट मी दे वांट टू बिकम लाइक मी दे दे वांट टू स्टैंड ऑन द पोडियम दे वांट टू विन द ओलंपिक्स तो कितना मतलब uh, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ तो आई नॉट फाइट फॉर इट तो एट द सेम टाइम मैं अपना आपको पॉजिटिव भी कर लेती हूँ बट नेगेटिव भी इतना गंदा नेगेटिव हो जाता है ना हमारा कि yes. कभी कभी गेट्स टू सिचुएशन के आ, रैकेट भी तोड़ने का मन करता है बट क्यों मैं ये चीज़ें करूँ क्योंकि रैकेट तो मेरा है फाइनली उसको तोड़ के क्या होने वाला है ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आप निकाल रहे हो निकाल लो थोड़ा बहुत तो सब में आता ही है गुस्सा बट उसको ये आप नहीं भूल सकते हो कि आप वन ऑफ द बेस्ट बने बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क बिकॉज ऑफ़ योर ट्रेनिंग एंड बिकॉज ऑफ योर बिलीफ और वो बिलीफ हमेशा अगर आप रखोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे सो जो ये मेडल आ गया फिर बीच में ऐसा मैंने पढ़ा कि एक टफ फेज रहा वापस आपका यू यू मैंने सो इफ कैन टेल अबाउट दैट टफ फेज आफ्टर आई थिंक फॉर ईयर वी वर नॉट एबल टू विन और समथिंग लाइक 2012 के बाद यस yes. uh, तो जैसे बताया सर हाईएस्ट लेवल पे तो जीती तो 2005 से 12 तक मतलब वर्ल्ड नंबर ट्वेंटी वर्ल्ड नंबर 200 से वर्ल्ड नंबर थ्री टू तक आ गई थी मैं इन दो सिक्स सेवन ईयर्स सॉरी टू थाउजेंड फाइव से या सेवन ईयर्स तक तो uh, अब उसके बाद क्या होता है कभी कभी यू फील स्टक कि आपका गेम इम्प्रूव नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आप आपके पास जब सिक्स सेवन अपोनेंट्स हैं चाइना के जो फिर से मतलब uh, उनके कोचेज जैसे मैंने बताया कि हर एक कोई वर्ल्ड चैंपियन है या ओलंपिक चैम्पियन है तो वो हर एक टाइम पे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को बेटर कर रहे हैं एक चाइना नहीं तो दूसरा चाइना वाला प्लेयर जीत के चले जाता है तो ऐसा कुछ सिचुएशन उनके साथ ऑलरेडी है एंड दे हैव द बेस्ट पीपल अराउंड देम जो उनको बारी बारी करेक्ट करते रहते हैं अब इंडिया में एक कैसा कल्चर है कि जैसे हम दस uh, पंद्रह बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं और अब मैं वर्ल्ड नंबर टू बन गई हूँ और अब सुपर सीरीज़ भी जीत रही हूँ अब मेडल भी आ गया है तो अब मुझे इससे बेटर करना है तो मुझे क्या करना है तो कभी कभी क्या होता है ना आई अंडरस्टैंड कि हमारे पास अकेडमीज़ कम है हमारे पास ऐसे भी नहीं है कि जैसे हर एक गाँव में कुछ अकेडमी हो या हर एक गाँव में वर्ल्ड चैम्पियन हो ऐसा भी सिचुएशन नहीं है हमारे पास तो हमारे पास एक ही एक अकेडमी एक हैदराबाद हाँ, की अकेडमी जो बहुत अच्छी कर रही कर रही है अभी भी ऑफकोर्स बट वो टाइम पर मतलब हम पंद्रह सोलह बच्चे इतने अच्छे थे और गोपी सर एक ही थे कोच जो सबको देख रहे थे उसके बाद आई थिंक थोड़े एक दो इंटरनेशनल कोचेज लाए गए हैं बट अब एक कोच और इतने सारे प्लेयर्स पे फोकस करना गेट्स इट डिफ़िकल्ट तो कभी कभी जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं ना जब आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं जैसे अब आपने अभी बात करी है पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग के बारे में तो ऐसा लगने लगा है ना आफ्टर फ्यू टूर्नामेंट्स के मैं इम्प्रूव नहीं कर रही हूँ या मैं कहीं स्ट्रक हो रही हूँ या मुझे ऐसा कुछ एडवाइस uh, चाहिए मे बी मुझसे नहीं मेरे कोचेज से जो मुझे बोल रहे हैं कि कहाँ पर कुछ गलती हो रही है क्योंकि एज ए प्लेयर यू डोंट अंडरस्टैंड क्या गलत हो रहा है क्योंकि आपने अपना प्रोग्राम तो डिसाइड नहीं किया आपके डिसाइड करते आपके लिए। और हर एक जगह पे में, वर्ल्ड में आप देखते हैं, हैं। दे है। अफकोर्स मुझे खुद नहीं मालूम होगा कि मेरी क्या मिस्टेक होगी थोड़ा बहुत मैं भी इनपुट दे सकती हूँ बट नाइनटी परसेंट उन्हीं का ही तो मुझे लगने लगा कहीं पे ये अब गलत हो रहा है और अब इस सिचुएशन में अगर मैं नीचे आने लग गई तो फिर ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा तो वर्ल्ड नंबर थ्री से मैं वर्ल्ड नंबर नाइन पे आ गई नेक्स्ट वन ईयर तो आई वार्टेडेडेड लूजिंग टू दीज चाइनीज़ प्लेयर्स अगेन एंड अगेन फिर थोड़ा आ, 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 ये जो एक दो टीने बॉन जैसे मैंने बोला डेनमार्क की प्लेयर हैं शेंक थी तो ये सब प्लेयर्स थोड़ा मुझे पकड़ने लगे मिस्टेक हो थोड़ी इंजरीज आने लग गई इंजरी स्टार्ट हो गई तो ये सब सिचुएशन मेरे साथ होने लगे तो मुझे सेल्फ डाउट आने लगा कि अभी मैं इनको वापस हरा पाऊँगी कि या नहीं चाइनीज़ प्लेयर्स को एंड आई हैड लॉस्ट लाइक ओलम्पिक मेडल तो आ गया सिक्स या सेवन आई थिंक सिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स क्वार्टर फाइनल्स हार गई मैं तो मुझे ना मुझे ऐसा लगने लगा कि अब अब ये सेवेंथ में हारने से पहले अब मैं मैंटल मेरा ब्लॉक ना हो जाए कि क्वार्टर फाइनल से आगे मैं जा ना पाऊँ बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट ना आपको लगने लगता है कि इवन इफ़ यू फिट यू फील कि मैंटली शायद मुझे ये आएगा नहीं आपका में, जो ये माइंड है ना इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है ना आपका इट्स yes. नॉट कि आप रेडी नहीं है बॉडी अच्छा आपने प्रैक्टिस कर रहा है यू आर रेडी फॉर ऑल द टफ दिस थिंग बट आपका शायद माइंड अब आपसे फाइट करने लग जाएगा कि आप मैच पॉइंट पे भी है तो आप हार जाएंगे ऐसा ना हो जाए मेरे साथ तो मुझे कुछ डाउट्स आने लग गए नॉट ट्वेंटी थ्री की हूं मैं तो या तो मैं एक ट्राई करती हूँ कि कहीं जाके मैं अपना गेम और बेटर करने का ट्राई करती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो नहीं हो रहा है मेरे से और मैंने डिस्कस भी किया है और ये पंद्रह सोलह बच्चों के साथ ये होने नहीं वाला है और मैंने सर से भी गोपी सर से भी बात किया तो ऑब्वियसली वॉज लाइक नहीं नहीं हम सोल्यूशन ढूंढेंगे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा बट अब अब आई वॉज लाइक अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी आ रहा है और अब मेरा रैंकिंग भी नीचे जा रहा है सर तो वी हैव टू एक्ट फास्ट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स है जो मेरे मेरे उसके हैं बैच के और मैं मेरे को अगर नहीं आया तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फिर से सेल्फ डाउट के साथ जाऊंगी कि क्या मुझसे पॉसिबल है या नहीं है राइट right. तो बट ऐसे डिस्कशन हुए लेकिन मुझे लगा कि शायद Uh, uh, hmm. वो पेशेंस एज ए प्लेयर आप में पेशेंस भी थोड़ा कम हो जाता है फिर ना वेन यू डूइंग सो वेल एट द हाइस्ट लेवल आपको लगता है कि रिजल्ट आए जल्दी आए तो मैंने ऑलमोस्ट एट टू नाइन मंथ से वन ईयर देख लिया अब सिचुएशन थोड़ा डाउन होने लगा और अब लगा कि मुझे थोड़ा चेंज का रिक्वायरमेंट है शायद वहाँ पे मुझे थोड़ा लगने लगा कि मेरा गेम स्टक हो गया है या मुझसे मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है फ्रेंकली इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा yes. है तो कहीं भी आपको लगेगा कि आपको प्रोग्रेस करने के लिए करना क्या चाहिए क्योंकि हैदराबाद में और कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे हमारे पास कोचेज हो तो मैंने ट्राई किया कि मैं बैंगलोर जाऊँ विमल सर के पास और उनसे डिस्कस करूँ क्या पता कभी कभी जो एन्वायरमेंट चेंज से ही काफ़ी कुछ शायद मेंटली आपको अच्छा लगे है ना चेंज लगे क्योंकि आई हैव बीन इन द एकेडमी फ्रॉम 2008 टू तो 2014 और मैं गोपी सर के साथ 2004 से हूँ बेसिकली उससे पहले उनके पास एकेडमी नहीं थी 12 इयर्स 12 इयर्स उनके साथ थी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मतलब कहीं कही ना कहीं हम दोनों स्टक हो गए उनके पास भी वो भी काफ़ी बिजी हो गए हैं जैसे कि एक कोच ना पंद्रह सोलह प्लेयर को देखने के लिए थोड़ा बिजी हो जाते हैं एंड देन आ, उनकी और एक अकेडमी भी बन रही थी तो वो काफ़ी हद तक उसमें बिज़ी हो रहे थे एंड हमारे बैक टू तो बैक बहुत टूर्नामेंट्स हैं जैसे मैंने बताया वहाँ पर टाइम ही नहीं हमारे पास कि वी कैन सिट एट होम उतना टाइम मिलता नहीं है दो हफ्ते में फिर जाओ दो हफ्ते में फिर जाओ तो मुझे लगा कि थोड़ा चेंज चाहिए एंड आई वेंट टू बैंगलोर आई स्पोक टू विमल सर लाइक सर कहीं मैं स्ट्रक हो रही हूँ मे भी कुछ इम्प्रूमेंट चाहिए और एज ए प्लेयर आपको कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है नहीं तो आपको अगर ये बस मिस हो गया है तो फिर आप ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट इज़ रिटिल बिट लेट टू टेक डिसीजन इट्स नॉट लाइक आप uh, सत्रह साल के बच्चे जैसे हैं और कुछ भी करें तो जीत जाएंगे नॉ यू हैव टू बी रिटल बिट मोर स्मार्टर एन यू हैव टू प्लान द प्रोग्राम सो स्मार्ट देट आपका बॉडी भी उतना डिफिकल्ट सिचुएशन uh, को हैंडल कर सके जितना आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑब्बियसली आप अपने आप को किल नहीं कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन में क्योंकि आपका बॉडी उतना ले नहीं पाएगा जितना आप पहले ले सकते थे बट आपका जो प्रोग्राम है इतना स्मार्टली डिज़ाइन होना चाहिए ताकि आप अच्छा ट्रेनिंग भी कर लें और हाईस्ट लेवल परफॉर्म भी करें तो वो मैं मैंने इसलिए वो डिसीजन लिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी यू नो आई कैन गो एंड पुश माई सेल्फ देन वेटिंग फॉर अनदर थ्री फोर इयर्स एंड आई डोंट नो कि 27 28 के बाद क्या होता है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स का आई हैव सीन रिटायरमेंट 28 29 में हो जाता है क्योंकि नी पेन हो जाएगा या शोल्डर पेन हो जाएगा कुछ ना कुछ पेन शुरू हो जाते हैं तो मुझे लगा कि जो भी करना है अभी करना है आई हैव टू ट्राई माई बेस्ट अफकोर्स इट वॉज अ बिग डिसीजन क्योंकि पापा को मुझे अकेला छोड़ना था हैदराबाद में मम्मी के साथ मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना था इट्स नॉट ईजी फॉर एनी प्लेयर टू डू दैट देट दे आर एट होम फ्रॉम चाइल्ड हुड सडनली इतना बड़ा डिसीजन लेना एंड पापा वॉज लाइक आर यू श्योर क्योंकि uh, ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके यू नो अगेन यू विल फील घर पे आना है वो ऐसा ना हो जाए ना डिसीजन गलत तो नहीं ले रही है मैंने कहा नहीं पापा दिस टाइम आई टू जस्ट गो आई टू तो फाइंड सोल्यूशंस चाहे कुछ भी हो जाए mm. uh, मुझे बस अपने गेम को बेटर करना है एंड आई वॉन्ट टू विन अगेन आई वॉन्ट टू डू वेल अगेन बिकॉज आई फील के गेम है बट कुछ इम्प्रूवमेंट uh, uh, नहीं हो रहा है आई एम जस्ट स्टक समेर तो आई हैड द डिस्कशन इन द फैमिली ऑल्सो दे वर लाइक ठीक है बेटा वी आर विद यू यू ट्राई योर लेवल बेस्ट बिग डिसीजन वेंट आउट ऑफ द होम फर्स्ट टाइम एंड स्टेड इन अ स्मॉल रूम इन बैंगलोर एंड आई वॉज लाइक कुछ भी कहीं भी स्टे मिल जाए आई डोंट केयर बट आई हैव टू जस्ट इम्प्रूव माई गेम क्योंकि गेम आपका गेम आपका फर्स्ट प्रियोरिटी है और उससे ऊपर कुछ नहीं है तो मुझे लगा कि कैसी भी सिचुएशन में बस गेम इम्प्रूव होना चाहिए और जब तक मुझे लगे कि मुझसे रिजल्ट आ सकते हैं आई विल कीप ट्राइंग वहाँ पे गई मैंने बात किया सर से विद इन वन मंथ आई वॉज़ अगेन प्लेइंग द फाइनल्स टू थाउजेंड फिफ्टीन वर्ल्ड नंबर वन बन गई मैं आई प्ले द फाइनल्स ऑफ ऑल इंग्लैंड आई वन द इंडिया ओपन टू बोथ द इंडिया आई ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर नंबर रहे बन गई मैं वाव। तो अगर मैं वो स्टेप नहीं लेती तो शायद मुझे सोल्यूशन नहीं तो मिलता तो काफी लोगों को लगता है कि चली गई या कुछ फाइट हुआ हो ये हुआ हो चाहे वो फाइट हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो मेरा करियर है मुझे अपना अच्छा करना है ट्रू ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वहाँ पे मतलब कि, किसी के बारे में सोचूंगी तो मैं अपने बारे में कब सोचूंगी मैंने खुद अपने पापा को अकेला छोड़ दिया है इमेजिन वो, वो भी कितना रो रहे होंगे कि घर से बाहर जा रही है तो हाउ डज इट मैटर बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई गेम आई आई वॉन्ट पीपल टू लव मी बिकॉज आई एम परफॉर्मिंग और जो चीजें चल रही है सराउंडिंग में वेरी स्मॉल थिंग्स क्योंकि अगर आप देखें तो रॉजर फेडर है जो को है उन्होंने 200 सौ कोचेस छोड़ दिए अपने क्योंकि उनको हमेशा बेटर करना है उन्होंने तो कोई नेक्स्ट टूर्नामेंट में कुछ इमोशंस फीलिंग्स नहीं दिखाए हैं तो हम क्यों इतना सोच के कि यार वो उसको बुरा फील होगा वो बचपन से उसके साथ है तो है तो है उन्होंने मुझे एक लेवल पे बनाया एंड आई एम थैंकफुल टू आई एम रियली थैंकफुल और इतना उन्होंने हमारे लिए टाइम खर्चा किया है अंडरस्टैंड बट हम भी तो अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं हमने भी तो इतना सेक्रीफाइस किया है राइट एट सर्टिन पॉइंट आई एम स्टिल डूइंग इट वाई आई स्टिल वॉन्ट टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन फॉर माई सेल्फ फॉर एवरी वन हुज लुकिंग अप टू मी तो अब so मैं कंट्री के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे करना है मुझे मौका मिलना चाहिए happened, यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज द सिचुएशन आई है यहाँ पे नहीं हो रहा था वो काफ़ी प्लेयर्स को वहाँ यहाँ पे स्टक हो गए वो लोग इसलिए क्योंकि right. उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया और मैंने स्टेप ले लिया और जाके yes. अगर मैंने वर्ल्ड नंबर वन मैं अगर वर्ल्ड नंबर वन बन बनी फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आया मुझे आफ्टर सेवन ईयर्स कैन यू बिलीव इट यू नो इट्स सो डिफिकल्ट जब मैं टॉप टेन में हूँ वर्ल्ड नंबर टू हूँ वर्ल्ड नंबर वन हूँ बट मेडल मुझे सेवन एट ईयर्स के बाद आया है आई स्टिल क्वेश्चन माई सेल्फ ऐसे कैसे हो सकता है आई नो द कॉम्पिटिशन वॉज रियली हार्ड दोस गर्ल्स वर्क क्रेजी चाइना हमेशा बिग टूर्नामेंट्स में दे आर वन लेल अप आई डोंट नो हाउ दे कम लाइक प्रिपेयर वन लेवल अप तो ठीक है अब इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आई वज लाइक ऑलवेज ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे बट आई जस्ट फेल जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया ऐसा ना हो जाए कि मैं मैंटली अपने आप से हार जाऊँ क्वार्टर फाइनल्स में देट्स वाई आई ऑल्सो टुक दैट स्टेप क्योंकि इस बार शायद कुछ ओपन अप हो जाए शायद यू ना हैव टू ट्राई इट तो उधर जाके मैंने ट्राई किया अपना स्पीड इंप्रूव किया अपना स्पीड इंप्रूव किया आई वॉज एनी वेज अ रैली प्लेयर आई शूड लव डूइंग रैलीज बट स्पीड इंप्रूव करने के बाद जो चेंजेस आए मेरे गेम में अपोनेंट जिनके साथ मैं थोड़ा हारती थी वैंगी हैंड के साथ हेड टू हेड वॉज टेन टू नाउ आई मेर इट लाइक क्लोज टू एट टेन पे आ गई थी मैं आई बीटअ फाइव टाइम्स आफ्टर दैट Wow. तो इमेजिन जिसके साथ मैं इतने बार हार चुकी हूँ उनको हराना फर्स्ट टाइम भी कितना मेरे लिए uh, पीसफुल होगा yes. तो वो मैंने वो इसीलिए ही किया वो सिचुएशन कि मुझे ऐसा लगे कि शायद मैं और कुछ अचीव कर सकती हूँ एंड वो साल 2015 तो चाइना ओपन फाइनल्स आई आई फाइनल्समोस्ट सिक्स सेवन फाइनल्स आई थिंक दैट ईयर दैट्स आई बिकेम वर्ल्ड नंबर वन बिकॉज वर्ल्ड नंबर वन बनना इज नॉट ईजी यू हैव टू कंसिस्टेंटली परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर और उस साल ऑल इंग्लैंड फाइनल्स भी खेली मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स भी खेली मैं नेक्स्ट ईयर आई वन द मलेशिया ओपन ऑल्सो इन 2017 अगेन आई गॉट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल तो इमेजिन अगर ये सब चीजें मैं इधर रहती तो शायद नहीं यू आई एम नॉट से आता है या नहीं आता मुझे आई डोंट नो आई कॉन्ट प्रिडिक्ट फ्यूचर बट मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो अगर सब पे ध्यान देने लग गए तो रिजल्ट कैसे आएंगे ट्रुप टाइम देखो एवरी सिंगल प्लेयर है सिंगल कोच अपने इंडियन टीम में ही देख लो आप उस टाइम पे एंड पीपल से लो कैसे कर लेंगे जब आई यू आर दन इन टॉप फाइव हुएंग बेस्ट एंड आई एम ट्रेनिंग विदुल सेम ट्रेनिंग शायद मेरे बॉडी को वो एडजस्ट नहीं होता मेरी बॉडी लाइक समथिंग एल्स शायद मेरी बॉडी ब्लाइंड इतना रनिंग नहीं चाहिए शायद मेरी बॉडी को आ, शेडोस चाहिए एजिलिटी चाहिए स्पीड चाहिए तो ये सब चीजें ना हर एक प्लेयर के लिए इंडिविजुअल प्लान होते हैं तो मुझे ऐसा लगने लगा शायद मैं कहीं स्टक हो रही हूँ इन चीजों में और मेरे लिए इंडिविजुअल प्लान चाहिए मुझे थोड़ा सा और उस लेवल पे जब आप कॉम्पीट कर रहे हो तो इंडिविजुअल प्लान चाहिए पे तो जरा भी कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता बिल्कुल और लेवल मैं, लेवल मैं बोल रही हूँ ना आज के प्लेयर्स को भी ये बोलते कि पहले अपने बारे में सोचो क्योंकि यू आर प्लेइंग फॉर योर आई नो वी वी रिस्पेक्ट अ कोचेज वी रेस्पेक्ट अर पेरेंट्स लाइक एनीथिंग उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया दे सेक्रीफाइस सो मच बट फाइनली आप यू कैन ऑल्सो रियलाइज कि आपकी केपेबिलिटी कितनी है और कितना आप आगे पहुंच सकते हैं नहीं हो पाया तो मेरे बैड स्टेप हो पाया तो वेरी गुड स्टेप बट आप ट्राई तो करेंगे ना उसके लिए आप घर पर बैठ के मैं उधर ही बैठ के और एक साल वेट करती हूँ जो तो शायद वर्ल्ड नंबर नाइन का वर्ल्ड नंबर ट्वेंटी हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ हाउ बी लाइक कम बैक अगेन जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो और भी आई थिंक नीचे हो जाता फिर मेरा और वहां पे जाने के बाद नाइन से वन पे हो गई मैं यू नो आई वाज आल्सो प्लेइंग लॉट ऑफ सेमीज फाइनल्स दो वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आ गए ऑल इंग्लैंड फाइनल्स हो गया और आगे अनफॉर्चुनेटली नेट वॉज प्रॉब्लम मैं इतना अच्छा उस टाइम तक मुझे इतने मेजर इंजरीज नहीं हुए थे कि मुझे लगे कि ऑपरेशन करना पड़े अच्छा तो टू में बिफोर द ओलंपिक्स अगेन आई वन दी ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज आई बीट ऑल द टफ प्लेयर्स देयर इस बार फिर से आई वॉज लाइक आई एम गोइंग टू डू वेल इन दोलम्पिक्स बट इस बार क्या हुआ uh, नी में एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होता है कुछ जगहों पे एंकल पे भी हो सकता है इधर भी हो सकता है तो वो uh, एक्स्ट्रा बोन इतना ज़्यादा हो गया था मेरा कि मैंने जो ट्रेनिंग किया और आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर दी ओलम्पिक्स तो वो जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गया ना वो मेरा टूट गया एंड वेन आई वेंट टू द डॉक्टर्स इन बिफोर दी ओलम्पिक्स आई वॉज एक्चुअली क्राइंग एंड आई वॉज टेलिंग दैम सर शायद ये नॉर्मल इंजरी से थोड़ा ऊपर है आई फील डजन लूट लाइक अ नॉर्मल इंजरी टू मी बट डॉक्टर वॉज लाइक नहीं नहीं आप कर लेंगे आप चाहिए ठीक हो जाएगा थ्री फोर डेज में आई वॉट मिस्टेक आई डिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज एम आर आई करवा लेना चाहिए था बिकॉज आई थॉट कि शायद उतना सीरियस ना हो ये इंजरी क्योंकि उससे पहले कभी मुझे इतनी सीरियस इंजरीज हुए नहीं है ना मैं गिरी कोट पर ना मेरी नींट टूटी तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा कुछ टूट सकता है अंदर से तो मैं वहाँ पे ओलंपिक्स में जाने के बाद आई थिंक जब मैं मैं ओलंपिक्स खेल भी रही थी वो फर्स्ट टू राउंड्स आई वाज प्लेइंग विद ब्रोकन दिस थिंग बोन एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग विद ब्रोकन बोन आई वाज लाइक नहीं फिर भी अच्छा करना है जीतना है बट मुझसे हो नहीं पाया बिकॉज इट वॉज हर्टिंग रियली बैड एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे आफ्टर लूजिंग द मैच पता नहीं मैं किससे भी मुझे नाम ही नहीं पता जिससे मैं हारूँ वहाँ पर ओलंपिक्स में इमेजिन आई वॉज रैंक फाइव इन द वर्ल्ड देन ओलंपिक्स में भी रैंक फिफ्थ थी मैं एंड mm -hmm. जिससे मैं हारी मुझे उसका नाम ही याद नहीं है मैं आई वापस मैं आने के बाद फर्स्ट थिंग आई टोल्ड डॉक्टर वर्ज सर क्या हुआ मेरे साथ दट आई थिंक इट इज़ नॉट नॉर्मल बिकॉज वहाँ पे मैंने कॉडिजोन इंजेक्शन भी लिया टू नॉट फील द पेन बिफोर द मैच टू जस्ट गो बिकॉज आप ओलम्पिक्स में खेलने के लिए काफ़ी हद तक जाते हैं, करते हैं। और मैंने इसलिए इंजेक्शन भी लिया ताकि मुझे पेन फील ना हो तो सर ने बोला कि अनफॉर्चुनेटली वैसा पेन नहीं है ये एम आर आई लेने के बाद जो उन्होंने बोला आपका जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हुआ था वो इसी टाइम पर टूटा एंड देट्स योर बैड लक आई कैन से क्योंकि वो कभी भी टूट सकता था ओवर ओवर द ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ट्रेनिंग की वजह से कभी कभी एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाता है तो वो टूट कभी भी सकता था बट अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पर टूटा आपने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था इससे पहले सबको हराया वन मंथ में वन मंथ में देखिए कैसा सिचुएशन आ गया था नाउ इट्स योर डिसीजन आदर वी ऑपरेटिड और यू वॉन्ट टू सी नेक्स्ट फोर मंथ्स में क्या होता है तो मैंने कहा सर जो टूटा हुआ पार्ट है उसको निकाले दो तो बेटर है वरना आई डोंट नो के वो कैसा बिहेव करेगा yes, ना लेटर सर सो लाइक येस आई थिंक मेरा भी वही पॉइंट रहेगा कि आप उसको ऑपरेशन करवा लीजिए एंड देन यू सी द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर दैट दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम बिकॉज ओलंपिक्स में वैसा हुआ ओलंपिक्स में नी टूटा ऐसा मेरा एंड देन करना पड़ा आपको बेटो मैं हार ही गई थी सेकंड मैं हार के आ गई फिर ना मैं आ, आ, मैं बस खेली क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे हूं मैं उधर तो अब ओवर दे के आना मतलब मुझे ठीक लगा नहीं मैं बस वो माइंड रहता ना क्लियर माइंड के खेलना है बस वो थोड़ा डिस्परेट फीलिंग में मैंने खेल लिया पर मैं आने के बाद मुझे लगा कि अगर काश कोई मुझे पहले बोल देता कि टूट गया है कुछ मेरे नी के अंदर बिना गिरे टूट गया है कुछ तो मैं शायद जाती भी नहीं उतनी दूर यू नो यू गो रिव्यू ऑल द वे एंड देन आने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा झटका मिला आपको सुनने का कि आपका नीट उड़ गया है नाव यू हैव टू गेट ऑपरेटेड एंड देन उसके बाद जो चैलेंज था क्योंकि ओलम्पिक्स इज समथिंग एवरी वन लुक्स अप टू एंड उसके बाद अगेन अब वो भूल के कि उस टाइम पर जो हुआ है चार महीने का अब फिर से रीहेब करके फिर से रेडी होकर फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट करना है तो दैट्स अ चैलेंज यू नो दिस टाइम आई वॉज लिटल बिट मोर मतलब इमोशनल ज़्यादा दुख हुआ मुझे क्योंकि ओलंपिक्स में ऐसा हुआ एंड इनिशियली टेन फिफ्टीन डेज क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती थी आ, प्लास्टर में था मेरा नी पूरा एक्चुअली थ्री फोर वीक्स कुछ नहीं कर सकती थी तो मैं बस रो रही थी एंड आई वॉज़ फीलिंग बैड कि ऐसा कैसे टूट सकता सडनली टूट गया अभी तो ठीक था एकदम एंड mm. अगर कोई पहले बोल देता तो शायद कुछ स्टेप ले सकते थे नहीं जाते थे एंड आई वॉज नॉट गोइंग टू जिम आई वॉज नॉट इवन डूंग माई स्ट्रेंदनिंग मेरे पेरेंट्स समझ रहे थे कि कुछ मतलब ज़्यादा इस बार दुख है साइना को तो आई थिंक वी शुड हेल्प हर कम आउट ऑफ एट थोड़ा मोटिवेट करेंगे mm -hmm. तो वो मुझे बोलने लगे साइना हम जिम जा रहे हैं डू यू वॉन्ट टू जॉइन आस यू ना इमेजिन उनका जो थोड़ा बहुत ये आ, अच्छे टॉक्स थे जैसे मुझे हंसी आती थी कि वो लोग जिम क्यों जा रहे हैं सडनली मेरे लिए एंड <laughs> देख like, नहीं हमारा मन करा था चल रहा था चल तो मुझे अच्छा लगता था वैन दे गोइंग टू जिम आई यू डू जिम विद डेम वो थ्री फोर मंथ्स ना उनके जो सपोर्ट से गुजर गए वरना अगर मैं उनसे एक्सप्रेस नहीं करती बोलती नहीं अपने आप ही सोचते रहती कि अब फिर से ट्राई करना है कि अब तो टूट गई नी अब तो फिर से सर्जरी करवा के बट जो उन्होंने मुझे हेल्प किया टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन के स्ट्रेंथनिंग कर रीहैब कर एंड मेक योर लेग स्ट्रोंगर लेट सी वॉट हैपन तो थ्री फोर मंथ्स में ना नी स्ट्रॉन्ग हो गया रीहैब अच्छा चला गया अब फोर मंथ्स के बाद आई वॉज रेडी टू गो टू द कोर्ट अगेन एंड देन फोर्थ मंथ के बाद आई वॉज ऑन द कोर्ट एंड सडनली स्नैप यू फगेट एवरीथिंग बिकॉज यू लाइक इट राइट वे यू आर आपको कोर्ट पसंद है आपको खेलना पसंद है तो आप जब कोर्ट पर आए तो देन यू फॉगेट एवरीथिंग वेपन लास्ट फोर मंथ बैक एंड उसके बाद इमिडिएटली आई वॉन्ट द मलेशिया चैलेंज इन वन टू मंथ आई वॉन्ट द टूर्नामेंट एंड देन उसके बाद ही वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल भी आया उसके बाद फिर से मैं चाइना ओपन फाइनल भी खेली फिर काफ़ी टाइटल्स आए उसके बाद लेकिन वो एक टूर्नामेंट का ही फील बैड कि उसी टाइम पे मेरा जो आ, जो एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ था वो नी टूट गया था एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं है वो उनको लगता है कि मैं वहाँ पे जाके हार गई थी बट उनको ये नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन से उधर खेल खेली और क्या हुआ एंड इनफैक्ट द डॉक्टर वॉज ऑल्सो लाइक कि हाउ डिड यू इवन प्ले क्योंकि मैं होता ना इन योर इन योर सिचुएशन तो मैं शायद एक लंच भी नहीं कर पाता एंड यू हैव प्लेड टू मैचेज विद दैट इशू तो वो भी एक्चुअली ऑलमोस्ट ही इन टीयर्स यू नो ऐसे कैसे प्लेयर का एक माइंड होता है सो स्ट्रॉग माइंड दैट दे कैन गो थ्रू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन सो ट्रू सो ट्रू ब्यूटिफुल जर्नी पूरे देश को आपने इंस्पायर किया अमेजिंग टू लिसन डायरेक्टली फ्रॉम यू